गाइस वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन इंडियन रोड रेंजर। सो दोस्तों आज हम चल रहे हैं करोल बाग अपनी लेके यामाहा एरोक्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं दो चीज़ें कवर करने लगा हूँ, स्पेशली दो चीज़ें जिसके अंदर कवर होगी यामाहा एरोक्स। मैंने 1500 किलोमीटर चला दी है और इसका मैं बताऊँगा मेरा पर्सनल क्या रिव्यू है इस गाड़ी का, और हमको करोल बाग में आज कुछ कुछ इसके अंदर चीज़ें चेंज करवानी है, वो मैं बताऊँगा कि मैं क्या क्या चेंज करवा रहा हूँ गाड़ी के अंदर। तो अभी चल रहे हैं, टाइम हो चुका है सुबह के तकरीबन 10 और हम निकल रहे हैं फॉर्म फरीदाबाद टू करोल बाग, और वहाँ जाके दिखाऊंगा कि मैंने गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज करवाए हैं। जो ज़रूरी सामान है वो रख लें इसके अंदर, वाटर बोतल, और ये देखो बंदरों ने क्या किया हुआ है यहाँ पर, कपड़ा वपड़ा मारते हैं इस पर फिर निकलते हैं आगे। चश्मे की क्या लोड है ताड़े को? तो मैं क्या कर दूं दोस्तों, मेरे को इस गाड़ी को चलाते हुए अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 महीने हो गए और मैंने गाड़ी चलाई है 1500 किलोमीटर। अब इस गाड़ी के अंदर मुझे क्या क्या खामियां लगी है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा बता देता हूँ। एक तो मुझे सीट जो है वो अनकंफर्टेबल लगी है, क्योंकि अब कोई बंदा बड़ा होगा यहाँ पर ना, इन्होंने हल्का सा वो दे रखा है तो ना मैं बंदा पीछे हो पाता है ना आगे ढंग से बैठ पाता है। एक तो मुझे सीट बहुत अनकंफर्टेबल लगी है पहली, और दूसरा जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से और जब मैं इसका ये खोलूँगा ना, ये देखो ये कितना लैग है इसमें, इतना देखो बंद ही नहीं होता, ये देखो बंद ही नहीं होता, इसमें बहुत लैग है। तो ये चीज़ मेरे को सही लगी नहीं गाड़ी की। और बाकी सस्पेंशन की सारी बात करते हैं कि सस्पेंशन थोड़ा सा टफ है इसका, रफ है और मतलब थोड़ा हार्ड है, लेकिन मेरे को तो ठीक लगा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं उसका। और इसकी ना ये चीज़ बड़ी लूज आई है वाली चीज़, अगर यहाँ मैं ज़ोर से ऐसे मार दूंगा ना ऐसे तो ये चीज़ बाहर निकल आती है, ये वाली चीज़ बस। बाकी मेन यही है, और मेरे को कुछ खास इशू कुछ लगा नहीं। हाँ मेन इसमें ना पीछे अपने पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं है यार, जब इसका स्टैंड लगाना होता है ना या कोई बंदा पीछे बैठता है अगर, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पिकअप है तो जो पीछे बैठा हो, अगर मैं ही पीछे बैठता हूँ कभी बार इसको तो मेरे को कुछ चाहिए होता है होल्ड के लिए, तो वो है नहीं, वो लगवाएंगे। उसके आज हमने इंडिकेटर्स भी चेंज करवाने हैं, हमने लगवाने हैं आज ब्लिंकर्स। तो चल रहे हैं अभी करोल बाग, देखते हैं क्या सामान मिलता है क्या नहीं मिलता, बाकी मिलते हैं आपको सीधा रास्ते में। मेन गाड़ी में जो काम था दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, एक्सेसरीज में इसके पीछे वाला ये लगाना है और ये ब्लिंकर्स हमने चेंज करवाने हैं, इंडिकेटर चेंज करवाए, ब्लिंकर्स लगवाने हैं, और एक हमने लगाना है यहाँ पर मोबाइल होल्डर, और बाकी पूछते हैं इनके पास क्या क्या सौदा मिलता है। रोना थक गया, रेस्ट ले रहा है, अब देखते हैं एक्सेसरीज क्या क्या है, आपको भी दिखाऊँगा और देखते हैं कौन सी मैं पसंद आती है, कौन सी लगवाते हैं कौन सी नहीं लगवाते। और पीछे गाड़ी स्टॉक मैंने दिखाई दी आपको, बिल्कुल ये इस टाइम स्टॉक है भाई। ये है इंडिकेटर, ये वाले मेरे को पसंद थे पहले, लेकिन अपन ये ना लगवा के अपन शायद ये लगवाएं, दोनों में से एक लगवाएंगे, शॉर्ट लिस्ट कर लिए, ये सारे हमने आउट कर दिए इंडिकेटर। इसमें खासियत ये है कि बीच में लाल लाइट जलती है, ब्रेक मारते हैं, और बाकी इंडिकेटर तो है ही। अच्छा भैया, और ये फोक लाइट है अपनी, भैया इसका क्या प्राइस? ये है 250 रुपये का और ये है 350 का, और ये है अपनी फोकलाइट जो लगेगी नीचे, दिखाऊंगा आपको लगने के बाद एक बार। भैया क्या प्राइस का? ओरिजिनल SGGI, ओरिजिनल SGGI की ओरिजिनल। अच्छा SGGI की ओरिजिनल कॉपी बहुत मिल जाती है, 800 से 750 स्टार्ट होती है, ये जनरल ये आपकी 1450 है भाई, 1450 की है ये।
ये हम लेंगे मोबाइल होल्डर, ये है विदाउट चार्जिंग और ये है चार्जिंग वाला। ये देखो इसे खोले जरा, ये देख एक वाटर प्रूफ दिखा दे, एक वाटर प्रूफ का भी ऊपर गार्ड आ जाएगा ये तो अलग से। संतू बिरयानी खाने आया सिरा, अब कोई काम नहीं है इसका। ठीक है भैया, ठीक है। या मेरे डामी, तुझे भी मिलेगा लेकिन रुक के मिलेगा, अभी नहीं। भाई विपिन को बुलाया था हमने आज, क्योंकि काम था ना अपना। आ गया विपिन, और ठीक लगा ले, या लगा दे, दो मिनट लगा दे फिर चल रहे हैं। ठीक है यार, चालू कर दिया ना, अब तो सारे है तो वेंट बेल ही करना है। टाइम हो चुका उसको पैक करने का, अब पैक हो रही है, पता नहीं भाई क्या सीन है अभी। ये पूरा तामझाम खुला सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ इंडिकेटर लगाने के लिए बस। अब अभी करा चेक करो ना भी एक बार जरा, ये रेड लाइट हो गई अपनी, अभी इंडिकेटर्स में भी आ गई है, देखो दो ज्यादा देखिए, देखो ठीक है अभी आप आ गए। ये ठीक है, नाइस, ब्रेक मार रहा सही है, ये तो अभी इंडिकेटर ही हो रहा है अभी, आप दिल्ली थोड़ी इंडिकेटर करो बंद। अच्छा करना चेंज इसको, ठीक है। काम बड़ा सारा हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं करोलबाग से हाल फिलहाल और चल रहे हैं घर, और जो भी हमने मेन लाइट का काम कराया ये मैं आपको दिखाऊंगा रात को जला के, क्योंकि रात को ही इसका मेन पता लगेगा। तो जिसका ना ये मोबाइल होल्डर आवाज करता है छन छन छन, लेकिन जब यहाँ फोन लग जाता है फिर ये साउंड बंद हो जाती है। तो गाइस हमने जो फाइनल मॉडिफिकेशन करी है गाड़ी की, एक तो मोबाइल होल्डर मैंने बता दिया आपको, इंडिकेटर्स, और उसके अलावा जो मेन चीज़ हमने इसके अंदर इंस्टॉल कराई है वो है इसका ये क्रैश गार्ड। ये दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए,
कोई चीज़ हमको एटलीस्ट मिल जाती है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है, ये टाई हो गया, दूसरा यहाँ से आ रहा है और ये जाता है हमारा पूरा यहाँ तक। ये इसकी फ्रंट लुक आ रही है, इसकी ये इसकी कुछ फ्रंट लुक है, ये ऊपर से शायद क्लियर लुक आए इसकी। ये देखिए ये है इसकी लुक, ये कहते हैं क्रैश गार्ड। और पीछे से कुछ ऐसा है, ये देखिए यहाँ से जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, कुछ टाई कर सकते हैं, कुछ बांध सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़। और ये मुझे पड़ी है अप्रोक्सीमेटली कितने की, 3000 रुपीज़ की। और ये ऐसा कुछ अगर आप ऊपर से देखोगे तो इसकी थोड़ी सी ना और ज़्यादा मतलब माचो लुक आती है इसकी, और ज़्यादा हैवी लगती है अगर ऊपर से देखते हो तो। आप कहीं साइड से कुछ हल्का फुल्का टचिंग टुचिंग होती भी है तो अपनी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी है फाइबर की तो ये टूटने का डर रहता है। तो ये बहुत ही हार्ड है, जो मर्जी कर लो ये अंदर नहीं आएगा। सो काफ़ी सिक्योर और सेफ है। और यहाँ पर भी हम अंदर कुछ टाई कर सकते हैं, कुछ बांध सकते हैं यहाँ पर भी। लड़ा अपनी शॉपिंग कर रहा है, बताया नहीं शेरवानी की, शेरवानी रे ब्रांड नहीं। अरे जी आ जाओ, आई मेड सम लाजपत नगर माया कलेक्शन, इस पे आ जाएगी मेरे। हां काफी अच्छी जगह पर फुल कलेक्शन, ये ट्राई करेगा तो फिर हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं प्री लाड़ा। ओ हो संदो साहब, क्या छा रहे हो आप, छा रहे हो यार आप, तो यहीं से सीधे घोड़े पे चलो। ये देख भाई साहब, तो तैयार नहीं किया इन्होंने अभी तो, तू बस अभी तो भी हिल के इतने में देख के ओ तेरे भाई, तो मैं करूं घोड़ी रख लो, घोड़ी मतलब डायरेक्ट चला जाए यहां से। फिटिंग करेंगे ना पूरी यार, ये बात में गोल्डन ही बढ़िया लग रहा है, आपको थोड़ा छाट के निकाला है तेरे लिए, ये वाला भी वो वाला भी दोनों अच्छे लग रहे हैं मेरे, एक ये वाला और एक ये वाला। गोल्डन में लुक्स ही आ रही है। मोटा मोटा आपको पहले दिखाता हूँ घर पे क्या लाइट का थ्रो आ रहा है। एक तो मैंने इसके इंडिकेटर्स चेंज करवाए हैं, ये मैं लगवाए हैं एलईडी वाले, एक मैंने मोबाइल होल्डर लगवाया है, और ये मेरा स्विच ऑफ फोग लाइट का ये लगवाया है। अभी सिर्फ ये लाइट चल रही है बस, ये फोकस। अभी इसका थ्रो तो ये है सामने, और अब मैं चलाऊंगा अपनी वो लाइट जो मैं लगवा के लाया हूँ फोग लाइट। सबसे पहले उसके निकलता हूँ आपको हाई बीम, ये देखो थोड़ी सी ऊपर जा रही है, कल इसको सेट करेंगे। और ये देखो लो बीम इतनी तेज है, कुछ ये है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो ऐसे कुछ लग रहे हैं मेरे इंडिकेटर्स रात को, इंडिकेटर्स एलईडी ब्लिंकर्स जो मर्जी कह लो इसको। अच्छा थ्रो है इसका भी लाइट का, देखना उसका नीचे की भी जल्दी। थ्रो देखो एक बार, अभी इस टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि ना अभी लाइट गई हुई है,
कब ज्यादा अच्छा देख पाऊंगा। अभी इस टाइम ये लो बीम हुई पड़ी है और ये हाई बीम है, ये नॉर्मल स्कूटर की है, ठीक है। कौन सी मैं लाइट लगवा के आया हूँ ना, अब मैं आपको इसका थ्रो दिखा रहा हूँ एक बार। ये तो हो गया हाई बीम स्कूटर का, और ये देखो ऊपर कर पेड़ का पेड़ पे, ये देखो अभी इसकी हवा में जा रही है और ये फोक लाइट नीचे आ रही है। देखो इसका थ्रो प्यारा है, पूरी देखो वो दिख रही है पूरी सामने, क्या लुक आ रही है। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा नीचे सेट करेंगे। अब हम विद हेल्प ऑफ ए लंकी अब हम इसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे हल्का सा, फिर इसका थ्रो प्रॉपर आए लाइट। ये तो भाई जी कर दिया हमने सेट सामने दीवार पे, इसको करके मारो। हमने इसको ना थोड़ा सा नीचे किया है, पहले ऊपर थी ये, अब देखो सामने ये नीचे आ गई, ये नॉर्मल है, ये हाई बीम है, ये नॉर्मल लाइट है। अभी अभी भी इसको थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है, फिर भी ये सही है कंपेरेटिवली, थ्रो अच्छा है। अच्छा थ्रो। सो गाइस आज की वीडियो होती है खत्म, हमने स्टार्ट की थी, बाकी बात सब ठीक है। ये टी शर्ट भी नंबर देख के लिए क्या 4 आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 लकी है भाई, पीछे भी लिखा हुआ है हर जगह लकी है ना, फिर लकी तो लेना ही है फिर। अच्छा तो गाइस मैं कह रहा था कि लोग कमेंट करेंगे कि इसने मॉडिफिकेशन के लिए बोला था, मॉडिफिकेशन इसने करी नहीं। अपनी अपनी पसंद होती है हर किसी की, मेरे को ज़्यादा गाड़ी में छेड़छाड़ की आदत नहीं है, तो मैं चाहता है इसके पीछे से भी चेंज करवा सकता था, आगे से बहुत कुछ होता है इससे मॉडिफिकेशन, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है मैंने वो करवाया है। एक मेरी सीट की मॉडिफिकेशन रहेगी, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए हम वो कभी बाद में कराएंगे। अदरवाइज जो मेरे को एक मोबाइल होल्डर चाहिए था और लाइट चाहिए थी फ्रंट में, बैक में इंडिकेटर्स चाहिए थे, रिफ्लेक्टर्स, सब मैंने करवा लिए जो मेरे को बेसिक चाहिए। सो गाइस ठीक है आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है यामाहा एरोक्स की, और रिव्यू मैंने आपको पहले दे दिया था कि मेरा 1500 किलोमीटर्स का क्या रिव्यू है। रिव्यू है गाड़ी अच्छी है, एवरेज मेरे को अप्रोक्सीमेटली 40 की एवरेज दे रही है गाड़ी, और पिकअप भी अच्छा है, और राइड थोड़ी सी स्टिफ है लेकिन ज़्यादा नहीं है, जितना लोग कहते हैं स्टिफ है इतनी स्टिफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है सीट के करके, सीट थोड़ी सी हार्ड है। सो अगर सीट कंफर्टेबल हो तो वो भी मामला अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है गाइस वीडियो यहाँ होती है खत्म, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल इंडियन रोड रेंजर, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर, और जिन्होंने यहाँ तक देख लिया भाई सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और मेरी वीडियोज़ देखते रहें और बने रहे चैनल के साथ, और थैंक यू वॉचिंग माई चैनल इंडियन रोड रेंजर, बाय बाय।